देख रहे हैं सच दर्शन। ये फाइल फोटो है 60 वर्षीय मृतक बुजुर्ग महिला बसंती की, जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बीते शनिवार रात घर के अंदर किसी अज्ञात हत्यारे द्वारा गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बसंती अपने छोटे बेटे हेमंत कुमार के साथ दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के छावला कुतुब विहार इलाके के इसी घर में रहती थी, जबकि बुजुर्ग महिला का बड़ा बेटा राजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ पालक इलाके में रहता है। साथ ही बुजुर्ग महिला की एक बेटी भी है जो शादीशुदा है। वहीं वारदात की जानकारी उस वक्त लगी जब शनिवार देर रात लगभग 9 बजे बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा हेमंत कुमार काम से घर वापस आया, जहां घर का दरवाजा खुला हुआ था। और जब हेमंत घर में दाखिल हुआ तो कमरे के अंदर उसकी माँ बसंती देवी का शव खून में लथपथ पड़ा हुआ था, जहां उसके चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी और घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। जिसे देखकर हेमंत ने तुरंत पुलिस और परिवार को फोन कर वारदात की सूचना दी। जब सूचना पाकर मौके पर पहुंची छावला थाना पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम हॉस्पिटल भेज दिया है। घर में आज 9:15 बजे करीब आया था ड्यूटी से, जब बाहर का जो गेट है खुला हुआ था कूलिंग लगा रखी, तो जैसे मैं अंदर गया तो वैसे बाहर वाले रूम में गया तो जिस हाथ में मम्मी को चाकू मार रखा था वो हाथ टूटी हुई थी और गिरी हुई थी। तो 9:15 बजे भाई का फोन गया था कि भाई ऐसी बात हो गई है और माँ तो किसी ने चाकू को मार दिया तुरंत, और मैं तुरंत फिर अपने बच्चों को ले गया, सबको लेके आया तुरंत, तो दिखाई नहीं किसी ने अंदर नहीं गया, मतलब वो चाकू वहीं भी पड़ा था रस्ते वहीं भी, बिल्कुल मुंह के पास चाकू पड़ा हुआ था। क्या बताऊँ, दुश्मनी किससे हो सकती है, लूटपाट क्या हो सकता है, कोई लूटपाट की वजह से कोई आया हो, लूटपाट की वजह से कोई आया हो आया। फिलहाल छावला थाना पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घर की स्थिति देखकर पुलिस पहली नजर में इसे लूटपाट के इरादे से हत्या का मामला मान रही है और कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के छावला इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।